चाराली से माइलू तक की सबसे खराब सड़क की स्थिति को लेकर छात्रों ने निकाली रैली। छात्रों ने असम सरकार से इस सड़क को जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के माइलू से खेरनी चाराली तक की सड़क की सबसे खराब स्थिति को लेकर छात्रों ने रैली निकाली है। साथ ही खेरनी थाना प्रभारी के जरिए असम के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री को ज्ञापन सौंप सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। चाराली से माइलू और लमछा खान तक वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां दर्जनों छोटे बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। जरा सी चूक होने पर हाथ पैर टूटना तय है। एक बार यहां से गुजरने के बाद दुपहिया वाहन चालक इस रास्ते से स्वतः परहेज करने लगते हैं। स्कूली छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम तक रोड की जो अवस्था है उसके लिए आज इतने लोग मजबूर हैं और इतने परेशान हैं कि छात्र आज पढ़ाई को छोड़ करके आज यहाँ पर आकर रास्ते बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है, जिनको आज विद्यालय में होना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था, उनको आज रास्ते पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसे हैं हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन लोग, सिर्फ वादे करते हैं, काम नहीं करते हैं। पिछली बार देखिए माइलू से हमसे कहा था थोड़ी देर पहले पिटूलाक्स का ऑफिस का काम हुआ है, जाकर देखेंगे वहाँ पर गड्ढा गड्ढा ही है। यहाँ पर भी थोड़ा काम चल रहा था लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। शायद आप एक बार जाएंगे तो दूसरी बार जाने का अपेक्षा नहीं हुआ है। इलेक्शन के टाइम काम हुआ था फिर बंद हो गया। इलेक्शन तो दिखावा है, इलेक्शन में सिर्फ दिखावा होता है। दो चार डंपर या जेसीबी आए, काम किए, फिर लोग भूल जाते हैं। और आज के दिन में इतनी अवस्था, आप लोग को छात्रों ने बताया कि सुबह का मेजर का क्लास इनका छूट जाता है, घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे लोग। उसके साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा रही है। किसी व्यक्ति का बीमार होता है, कोई किसी औरत का डिलीवरी का समय होता है, तो कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे एक्सीडेंट हुए भी हैं इस तरफ। सरकार से आपका मांग क्या? सरकार से मांग यही है हमारी, रास्ता को तुरंत बनाया जाए, बिना किसी समय को नष्ट किए हुए रास्ते को बनाया जाए, लोगों को सुविधा दिया जाए। सरकार आखिर है किसके लिए? सरकार तो पब्लिक के लिए है ना, तो पब्लिक के लिए यदि काम नहीं करेगी तो सरकार का कोई काम नहीं है। और नहीं तो ये सरकार कह दी कि रास्ते नहीं बनाएंगे। ये हमारी मांग है सरकार से।